मेरा ही टूर्नामेंट था काठमांडू नेपाल में, मेरा 7th साउथ एशियन था, मैं वहाँ गई थी और मैं रिसेंटली वापस आई और आज मैं यहाँ आ सकी। थैंक यू सो मच। मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना अच्छा फेलिसिटेशन होगा, मतलब इतना सोचा नहीं था कभी। और ऑब्वियसली मेरे अवार्ड लेने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ, कि मुझे प्रेसिडेंट के हाथों एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। और मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से यही रहेगी कि वो अपनी पर्टिकुलरली गर्ल्स को, बेटियों को आगे आने दें, क्योंकि हमें देखते हैं लड़कियों को यूजुअली अंदर ही रखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अकेडमिक्स में ही लगा दिया जाता है। तो जैसे मैं हूँ, मैं अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छी हूँ तो हो सकता है कोई किसी दूसरे फील्ड में अच्छा होगा, या आई ऑलवेज बिलीव कि मेरे से ज़्यादा कोई बेटर भी होगा लेकिन शायद उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से यही है कि वो अपने बच्चों को आगे आने दे, शायद कोई, अगर आज मैं यहाँ हूँ कल मेरी जगह कोई और लड़की हमारे डिस्ट्रिक्ट से होगी। मुझे तो मार्शल आर्ट खेलते हुए पिछले 8 साल हो गए, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट्स खेलना। अभी तो मैं कहूँगी कि अभी फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रही है, खेलो इंडिया प्रोग्राम्स है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसके लिए मुझे कल निकलना है, हमारा चंडीगढ़ में है जोन है, और अभी विंटर स्पोर्ट्स हुआ था हमने वो भी देखा। तो अभी जैसे हम, मैं कह सकती हूँ कि अब प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, अब बच्चों को ये चाहिए कि वो लोग आगे आए। बट हाँ, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे सर ने भी बोला कि मैं चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाए स्पोर्ट्स के लिए, मार्शल आर्ट्स के लिए, क्योंकि आई बिलीव जब मेरा इंटरेक्शन विद पीएम भी था तो मैंने वहाँ पर भी यही कहा था कि गर्ल्स के लिए मार्शल आर्ट को अगर कंपलसरी कर दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो पैशन की तरह फॉलो करें, बट सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल कितनी सारी चीज़ें होती है कंट्री आउटसाइड द कंट्री लड़कियों के साथ, जो जहाँ पे वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनिशिएटिव ले कि मार्शल आर्ट क्लासेस लगा दे हम लोग स्कूल्स में, ताकि गर्ल्स खुद को डिफेंड करना सीखे। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग इसको एज अ पैशन फॉलो करें, हो सकता है हर कोई बच्चा पैशनेट नहीं हो अबाउट मार्शल आर्ट्स, अबाउट क्रिकेट, अबाउट दिस, बट सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि वो लोग अकेले बाहर जाए और उनको किसी और की हेल्प ना लेने पड़े, इंडिपेंडेंट के लिए। नाम लेना भूली नहीं हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरी कोच मीर सलमा रशीद, जिसको ये सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर मैम मेरे स्कूल में एज ए फिजिकल टीचर नहीं आती तो मैं शायद कभी मार्शल आर्ट्स के फील्ड में ही नहीं आती, या मैं कह सकती मैं कभी स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं आती। मेरी कोच मेरे स्कूल में एज ए फिजिकल टीचर आई, उनने गेम के बारे में बोला, बैक देन इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मार्शल आर्ट को हमेशा, मार्शल आर्ट सुनते तो डर लग जाता है, क्रिकेट देखा था, हॉकी देखा था, फुटबॉल देखा था, लेकिन मार्शल आर्ट कभी नहीं देखा था। मैम ने सिखाया, सिंस देन टिल नाउ मैम का सपोर्ट है, तो मैम ने ही इंट्रोड्यूस कराया है मुझे मार्शल आर्ट्स।